ये सरकार हिंदू सरकार, ये अल्पसंख्यक सरकार अल्पसंख्यक समुदाय को क्यों दबाना चाहती है? वो एक तीर्थ स्थान है, उसे तीर्थ स्थान रहने दीजिए। अगर उसे पर्यटन स्थल बना दिया जाएगा तो उसकी जो पवित्रता है कहीं ना कहीं खंडित होगी। उसको जैन तीर्थ क्षेत्र घोषित किया जाए, पर्यटन हमें स्वीकार नहीं है। हमारी आस्था पे कोई कहता है पर्यटन स्थल क्यों कर दोगे आप, किसी के मंदिर पर्यटन स्थल कैसे घोषित कर दोगे आप, ये बताओ। जो नया साल की जो शुरुआत होनी चाहिए थी वो इस तरीके से हो रही है। आज इंडिया गेट पर ये तमाम लोग जो जुटे हैं ये पर्यटक नहीं है, ये आज अपने मुद्दों को लेकर यहाँ पर एकजुट हुए हैं। क्या मुद्दा है आपका और क्यों यहाँ पर? मुद्दा ये है कि समय शिखर को बचाया जाए, वहाँ पर जो भी दुकान है या रेस्टोरेंट खोला जा रहा है, गवर्नमेंट का अधिसूचना जो जारी करी गई है उसे वापस ली जाए, क्योंकि वो हमारा पवित्र है, शाश्वत तीर्थ क्षेत्र है। जैनियों के पास इसके अलावा कोई तीर्थ क्षेत्र नहीं है, शाश्वत तीर्थ क्षेत्र नहीं है। ये आस्था का सवाल है, ये जैन धर्म के मरने और जीने का सवाल है जैनियों का। यदि गवर्नमेंट इसे विड्रॉ नहीं करनेगी तो सारा जैन समाज, पूरे हिंदुस्तान का जैन समाज एकजुट होकर गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का विरोध करेगा। हम मेरठ से आए आप सभी लोग, दिल्ली से हैं। ऐसा क्या हो गया कि जैनियों को यहाँ आज उतरना पड़ा? ऐसा है कि झारखंड गवर्नमेंट ने इनको भेजा था कोई प्रपोजल, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये पास किया था कि इसको पर्यटक स्थल घोषित किया था, जबकि हमारा वो एक पावन स्थल है, पवित्र क्षेत्र स्थल है। तो हमारी डिमांड ये है कि एक तो उसको पवित्र तीर्थ स्थल घोषित किया जाए और पर्यटक स्थल इसको कैंसिल किया जाए। हमें पर्यटक स्थल नहीं चाहिए, हमें सिर्फ तीर्थ स्थल चाहिए और वो भी पवित्र तीर्थ स्थल जिसमें मांस सब कुछ है। राम जी भी पवित्र है, राम अयोध्या मंदिर, राम से भी पहले ये तीर्थ क्षेत्र है जिसमें हमारे 24 तीर्थ, रामचंद्र जी तो बहुत बाद में हुए, उससे भी पहले ये यहाँ से हमारे भगवान मोक्ष गए हैं, तो वो पवित्र क्षेत्र पहले से ही है। पर सरकार की मंशा इसको पर्यटक स्थल बनाने की है, जो कि हम नहीं होने देंगे, हमें पवित्र क्षेत्र चाहिए। ये सुनिए कि ये जो स्थल है तीर्थ स्थान है, ये 23 भगवानों का मोक्ष स्थल है। यहाँ की पवित्र मिट्टी में कण कण में है भगवान की आत्माएं बरसी पड़ी हैं, मुनियों की आत्माएं बरसी पड़ी हैं, जो जैनियों का मुद्दा घूम फिर के धार्मिक क्यों हो जाता है? धार्मिक है यो, धर्म के ऊपर नहीं नहीं, और ये मंदिर बनाने की बात, ये जो प्रथम ये सब लोगों की आस्था है। जैन धर्म आज का धर्म नहीं है, रामचंद्र जी तो बहुत बाद में पैदा हुए, अनादि काल से जैन धर्म है। हमारी कोई लड़ाई नहीं है सरकार से, सिर्फ हमारा इतना कहना है। अनादि काल से है, आदिवासी बोलते हैं हम अनादि काल से है, और लोग जो बोलते हैं हम भाई राम के, ये राम राज्य देखो, जो ये भारत देश है, हमारे प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के बेटे थे, आदिनाथ, भरत और बाहुबली, उन्होंने उन्हीं के नाम पे ये भारत देश नाम पड़ा है। ये भारत क्षेत्र तो सनातन धर्म, बाकी धर्म हम ये नहीं कह रहे बाद में आए पहले आए, हमें उससे मतलब नहीं है। जैन धर्म अनादि से है। एक बात और कहनी है, सिर्फ एक बात और समझानी है इन सबको, ये सरकार हिंदू सरकार, ये अल्पसंख्यक सरकार अल्पसंख्यक समुदाय को क्यों दबाना चाहती है? हमारा पहले गिरनार लिया, उसके बाद तारंगा लिया, उसके बाद केसरिया लिया, आज हमारे शिखर जी और पालीताना की बात कर रहे हैं। ये क्या हो गया इस हिंदू गवर्नमेंट को? जो सरकार हिंदू नहीं है, हम हिंदू हैं, हमारी हिंदू संस्कृति है, लेकिन धर्म हमारा जैन है। बोले जैन धर्म की, जैन धर्म की, धर्म की बात कर रहे हैं। एक बात बताओ, छठी से लेके दसवीं तक की आपने किताबें पढ़ी है, उसमें जैन धर्म का जिक्र आया है? अगर जिक्र आया है तो उसमें क्या लिखा है? जैन का ही नहीं आया, सभी धर्म आए हैं, बौद्ध धर्म भी आया है, जैन धर्म भी आया है। ये मुद्दा किसका है? आप यहाँ किसकी रिपोर्टिंग करने आए हैं? बौद्ध धर्म ये बहुत प्राचीन है। ये मैडम जैन धर्म सारी किताबों में लिखा है, या तो इतिहास बदल दो या 50 लाख जैनियों के ऊपर बुलडोजर चला दो। शिखर जी हमारी सीबीएसई की किताबें तो बदली जा चुकी है, इतिहास बदला, जैन धर्म नहीं बदला, जैन धर्म का इतिहास नहीं बदला। आप गलती पे हैं, जैन धर्म का इतिहास नहीं बदला, जैन धर्म ने। तो आप लोग जब हिंदू हैं, प्रधानमंत्री भी तो हिंदू हैं, बोलते हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, प्रधानमंत्री सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, वो धर्म उनके लिए सिर्फ
उनके लिए सिर्फ सनातन धर्म हिंदू धर्म से मतलब है, जैन धर्म से मतलब नहीं है उनको, जैन धर्म से कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, प्रधानमंत्री सिर्फ राजनीति, सबका साथ सबका विकास, सबको लेकर किसका विकास, किसका विकास, किसका विकास, हमें विकास, विकास हमें, देखो मैडम हमें विकास से मतलब नहीं है। अभी हमारी लड़ाई है, प्रोटेस्ट है अपने धर्म को बचाना, जिसके लिए ये सरकार ने सदा से ही नुकसान किया जैन धर्म का। पहले हमारा राज गिरनार में नुकसान किया, अब ये सेंटर में बैठे हैं, पहले जब गुजरात में थे तो गिरनार का नुकसान किया, अब सेंटर में आके बैठे हैं तो हमारा शिखर जी का नुकसान कर रहे हैं। ये सिर्फ नुकसान करने पे उतने हुए। मैम आप कह रही हैं कि हमारे राष्ट्रपति जो हैं, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो हिंदू नहीं है, वो भी हिंदू है, हम भी हिंदू हैं। जब जब उनकी माता जी का अंतिम संस्कार हुआ वो बिना जूते चप्पल के थे, जब वो कहीं हरिद्वार जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, वो खुद इतने धार्मिक हैं तो धार्मिक भावनाओं को समझते हैं। तो आज जैन समाज की भावनाएं समझ नहीं आ रही है कि हमारी भावनाएं क्या है। वो एक तीर्थ स्थान है, उसे तीर्थ स्थान रहने दीजिए, अगर उसे पर्यटन स्थल बना दिया जाएगा तो उसकी जो पवित्रता है कहीं ना कहीं खंडित होगी। वहाँ का माहौल, एक मिनट, वहाँ का माहौल खराब होगा। टूरिस्ट प्लेस क्या होता है, जहाँ पर अपनी मन मर्जी से कुछ भी किया जा सकता है, और एक धार्मिक स्थल कहाँ क्या होता है, जो हमारे धर्म से, हमारी आस्थाओं से, जहाँ पे कुछ रूल रेगुलेशंस होते हैं जिसको हमें पालन करना होता है। आज वहाँ पे जूते चप्पल पहनकर, दारू लेकर, मांस लेकर ऊपर जा रहे हैं, तो क्या ये जैनियों की, समाज की, जैन भाइयों की भावनाओं को आघात नहीं है? पर्यटक स्थल तो बना दिया ना, मतलब अच्छा तो कर रहे हैं काम। सुनिए, बेसिकली हम जैन समाज के लोग जो यहाँ पर हजारों की संख्या में एकत्र हैं, वो इसलिए हैं क्योंकि हम लोगों को पर्यटन क्षेत्र वो नहीं चाहिए। पर्यटन क्षेत्र का मतलब होता है कि वहाँ पर 5-स्टार होटल्स खुलेंगे या और चीज़ें, हमें वो पवित्र क्षेत्र चाहिए। पवित्र क्षेत्र जैसे अयोध्या है, पवित्र क्षेत्र जैसे काशी है, उनके आसपास भी आप ना तो नॉनवेज की दुकानें खोल सकते हैं, 5-स्टार होटल्स या बड़े स्तर के जो होटल्स हैं वहाँ पर भी ये अलाउड नहीं है कि मदिरा या मांस वहाँ पर जा सके। जैन समाज की केवल ये डिमांड है कि हमें पर्यटन क्षेत्र नहीं चाहिए, आपको विकास करना उस क्षेत्र का, क्योंकि बहुत आयात में वहाँ पर जैन लोग पहुँचते हैं वंदना के लिए, वो ठीक है, लेकिन हमें पर्यटन क्षेत्र इसलिए स्वीकार नहीं है जहाँ पर हम लोग धोती दुपट्टा पहन करके जाते हैं, जहाँ पर पूर्ण शुद्धि के साथ जाते हैं, जहाँ रजोसी महिला प्रवेश नहीं करती, वहाँ पर आज की तारीख में इतनी अश्लीलता ऊपर हो गई, आसपास के क्षेत्र के सारे लोग इसको हिल स्टेशन मान करके जा रहे हैं। सम्मेलन शिखर के लिए ये जो पूरी की पूरी यहाँ पर एकत्र है जैन समाज, पूरे देश से एकत्र है, उसके पीछे लॉजिक है, उसके पीछे ये लॉजिक है कि हम लोगों को जैसे अधिकार, माननीय प्रधानमंत्री जी मानते कि वो हिंदुत्व को लेकर के लड़ रहे हैं, जैन समाज हिंदुत्व का अभिन्न अंग है, तो फिर जो न्याय उन्होंने काशी के साथ किया, जो न्याय अयोध्या के साथ किया, अयोध्या के मंदिर की जो मिट्टी थी, न्याय भी तो आप ही लोगों के लिए किया है। अयोध्या की जो मंदिर की रज थी उसमें सम्मेद शिखर की रज मिला करके उसका निर्माण किया, तो ये तो मानते हैं वो भी कि सम्मेद शिखर इसको पावन तीर्थ क्षेत्र है, तो उसको जैन तीर्थ क्षेत्र घोषित किया जाए, पर्यटन हमें स्वीकार नहीं है। अच्छा, सभी लोग अगर अपने धर्म को लेकर के, अपने मंदिरों को, चर्च को और ये मस्जिदों को लेकर के आ जाएंगे तो फिर तो धर्म का मुद्दा ही है सब जगह। मैम अगर धर्म का मुद्दा नहीं होता तो आज सरकार सत्ता में होती क्या? तो यानी सरकार जो है धर्म का ही मुद्दा करती है। फिर मैं एक चीज बोलूं, उनका अपना जो है वो उनका अपना है, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, हम अल्पसंख्यक हो सकते हैं। और लोग भी आ जाएंगे ना यहाँ सड़कों पे, आप अपने चर्च को बचाने के लिए ईसाई आ जाएंगे, मस्जिद को बचाने के लिए मुस्लिम आ जाएंगे। अगर आप चर्च को ढाएंगे, अगर आप चर्च के नियमों को तोड़ेंगे तो उन चर्च वालों को आगे आकर के विरोध करना चाहिए। नहीं लगता विश्वविद्यालय या विद्यालयों के लिए आपको इकट्ठा होना चाहिए? क्या हमारे तीर्थ को तोड़ करके विद्यालय बनाएंगे क्या? कैसा प्रश्न है ये? हमारी आस्थाओं को तोड़कर, शिक्षा का मंदिर है, विश्वविद्यालय नहीं है, वो आस्था का केंद्र है, धुरी है, 24 तीर्थंकर पढ़े होंगे। विश्वविद्यालयों की बात कर रही हूँ, स्कूल्स की बात कर रही हूँ, विश्वविद्यालय की बात नहीं कर रहे। मैं ला रहा हूँ मंदिर, मंदिर बड़ी बात है या शिक्षा बड़ी बात है? मंदिर बड़ी बात है मैडम, शिक्षा को मंदिर, सुनिए, शिक्षा तो बाद में होगी, जब तक संस्कार ही नहीं आएंगे। राम मंदिर, शिक्षा नहीं होगी पहले क्या? मैडम, शिक्षा पहले नहीं होगी, शिक्षा मुद्दा नहीं है। शिक्षा को धर्म से मत जोड़िए, शिक्षा 5 साल बाद शुरू होती है, संस्कार पहले साल से शुरू होते हैं। मंदिर,
जब राम मंदिर बनाया गया आपने विरोध क्यों नहीं किया? जब आप आज आ जाए थे सड़कों पर, हम उनके साथ थे। बोल रहे राम मंदिर क्यों बनाया? आप स्कूल बनाइए, विश्वविद्यालय बनाइए, हमें कोई ऐतराज नहीं। आप राम मंदिर बनाइए, हमें कोई ऐतराज नहीं। लेकिन जैन समाज की भावना, हम भी जैन हैं, हम इस देश में रहते हैं और ये धर्म आज से नहीं है, बहुत पुराना धर्म है। ये तीर्थ क्षेत्र आज का नहीं है, ये बहुत पुराना है। तो व्यवस्थाओं में चेंजेस क्यों? किस धर्म आदि काल से बताया जाती है कि भाई ये धर्म अनादिकाल से भी है बताए जाते हैं। हर धर्म हर कुछ सर्वश्रेष्ठ बताता है, उच्च बताता है। ऐसी बात नहीं, हम कुछ नहीं बता रहे, हम धर्म के राजनीति नहीं खेल रहे, हम धर्म को उच्च नहीं बता रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं यहाँ? धर्म के मुद्दे पे बैठे हैं, कॉलेज के मुद्दे पे नहीं बैठे हैं। अगर यहाँ पे हम सम्मेलन का मुद्दा ही तो चल रहा है भाई, तो फिर आप कॉलेज बीच में कहाँ से आ गए कि कॉलेज की कॉलेज जरूरी है या कोई जरूरी है? तो धर्म का मुद्दा ही कह रहा हूँ मैं, तो आप बीच में आ रही है ना कि प्रधानमंत्री जी भी तो धर्म ही कर रहे हैं। कहाँ धर्म कर रहे हैं? धर्म कर रहे हो तो हमारे सम्मेलन शिखर को घोषित करते हैं, पर्यटन क्षेत्र घोषित करते हैं। प्रधानमंत्री भी जो धर्म की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। पुरुषोत्तम राम जी को उन्होंने अयोध्या, मतलब अयोध्या क्या बात है? अयोध्या क्या करेगा इसमें? किसी का तीर्थ छीनना धर्म नहीं होता मैडम, पर्यटन का भी। हाँ, हमारा जो आपका मुद्दा भी धर्म है, प्रधानमंत्री जी हमारा तीर्थ छीना जा रहा है, तो वो धर्म कैसे कर रहे हैं हमारा तीर्थ छीन के, ये बताइए आप हमें। वो हमारा धर्म से वंचित हो रहे हैं, इधर हटिए। अगर एक मिनट, अगर गवर्नमेंट को पैसे चाहिए, अगर हमारे तीर्थ स्थान को पर्यटक स्थल बना के गवर्नमेंट को पैसे कमाने हैं, तो सिर्फ कहने की देर है, जैन धर्म के लोग उनके गले तक पैसे भर देंगे। इतना पैसा है जैन धर्म के पास। सिर्फ और सिर्फ जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो 24% देश का इनकम टैक्स भरता है। अगर गवर्नमेंट को और भी पैसा चाहिए तो जैन धर्म से भीख मांगे आके, सुनिए, जैन धर्म से भीख मांगे आके, गवर्नमेंट भीख मांगे हम लोगों से, जब भी तो हमारे तीर्थ क्षेत्र छीन रही है। आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी है? वो आप सुनिए, गवर्नमेंट सुनिए, अगर गवर्नमेंट के पास पैसा होता, सुनिए एक मिनट, अगर गवर्नमेंट के, सुनिए, जैनियों से ही तो, सुनिए, जैनियों से नहीं आना सबके पास, नहीं नहीं नहीं, आप सुनिए, आप पहले कैसे आ रहा है जैनियों से? गालियां दे रहा है, टैक्स दे रहा है, टैक्स दे रहा है। अरे इन्हें छोड़ो यार, ये तो फालतू की बात कर रहे हैं, चल भाई चलिए। तो ये जो इनका धार्मिक मुद्दा है और जैन, एक मिनट क्या कह रहे हो? तमाम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और जैन धर्म को लेकर यहाँ पर सारे जो हैं, अपने मंदिर को लेकर, जो पर्यटक स्थल बना दिया गया है उसको लेकर यहाँ पर, जानती नहीं है आप धर्म को, जानती नहीं है क्या कह रहे? बताओ क्या कह रहे? प्रश्न पूछो, प्रश्न पूछिए, आप प्रश्न पूछिए, क्या कह रहे हैं? धर्म का मुद्दा तो प्रधानमंत्री जी भी कर रहे हैं। एक मिनट, ओए सुनने दो, एक मिनट, एक मिनट, हाँ जी बोलो। हाँ, सभी कह रहे हैं कि धर्म का मुद्दा ही मेन है, तो धर्म का मुद्दा तो प्रधानमंत्री जी भी ला रहे हैं ना बार बार। कहाँ ला, क्या ला रहे हैं बताएं आप, कौन सा मुद्दा? एक मिनट, क्या मुद्दा लाए हैं बताओ प्रधानमंत्री जी? अयोध्या मंदिर बना रहे हैं, अयोध्या मंदिर में मास मंदिर अलाउड करेंगे मोदी जी? नहीं, वो हमारा आदमी है, सुनो, ये आप सुनो, ये हमारा आस्था का केंद्र है। जैन लोग ये मानते हैं कि अगर तीन यात्रा समेत शिखर जी की कर ले तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है, ठीक है? वहाँ हमारे 20 तीर्थंकर मोक्ष गए हैं और कोड़ा कोड़ी मुनि वहाँ से मोक्ष गए हैं। वहाँ का कण 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 में भगवान पड़ता है और हम उसको पूजते हैं वहाँ पे, उसको टूरिस्ट प्लेस घोषित करके इन्होंने जैन धर्म का ही नहीं, हिंदू धर्म का भी। आज दुनिया जो है न्यू ईयर मना रही है, आप लोग यहाँ पर आए हैं जब हमारा शिखर जी हमारे हाथ में होगा। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट, न्यू ईयर का जवाब देने दो। जब मोदी जी अपनी माँ की आरती उठाते हैं, मोदी जी अपनी माँ की आरती, अप्रैल में आता है, मोदी जी अपनी माँ की आरती उठाते हैं तो चप्पल नहीं पहनते ना,
वो हमारे को भव सावकर से पार कराता है, वो हमारे भगवान है। वहाँ पे क्या हम अपने जूते चप्पल ले जाएंगे? नहीं ले जाएंगे, मर जाएंगे, लेके नहीं जाने देंगे किसी को। आप लोग चाहते क्या है? हम लोग चाहते हैं घोषित किया जाए कि ये तीर्थ स्थल है, तीर्थ स्थल ही घोषित किया जाए। ये कोई पर्यटक स्थल नहीं है, ये जैन समाज की आस्था का प्रतीक है और जैन समाज के 24 तीर्थंकर वहाँ से मोक्ष। प्रधानमंत्री जी के खिलाफ हो जाएंगे आप लोग? हम खिलाफ नहीं है, प्रधानमंत्री अपना नोटिफिकेशन वापस ले ले। सरकार हम मांग रहे हैं, सरकार जो अधिकार मांग रहे हैं गूंगी हो चुकी है, सरकार को कोई ध्यान नहीं। हम जैन लोग हम तो बैठा के कर रहे हैं, हम तो बातों में लगा कर मोदी क्या है, हमारे 24 तीर्थ भगवान वहाँ पर, हमारे 24 तीर्थ भगवान मोक्ष गए हैं, वहाँ पर मोक्ष गए हैं 24 तीर्थ भगवान, तो वो तीर्थ कैसे छोड़ देंगे? लोकल नहीं आज तक आपके लिए आ रहा है जी न्यूज आ गया आज तक वो खड़ा है वहाँ पे, क्यों परेशान होते हैं? आर भारत आ रहा है ना आपके लिए, परेशान क्यों हो रहे हैं? परेशान क्यों हो रहे हैं? बड़े बड़े चैनल, बड़े बड़े चैनल फिर क्यों बोल रहे हैं कि बड़े बड़े चैनल आपकी खबर नहीं दिखा रहे हैं? परेशान खबर दिखाते हैं तो हमारे जैन धर्म तो आप ये बताएं कि आप सिखा जी के लाइव है? नहीं, ये लाइव है, एक सेकंड, ये आप लाइव है, एक सेकंड, लाइव कर रहे हैं आप, लाइव चल रहा है तो सुने आप, एक मिनट रुको, रुको सही, एक मिनट रुको। नया साल जो है, ये जो नया साल है ये अंग्रेजों का बनाया हुआ है, हमारा नया साल हिंदू नववर्ष चैत के महीने में आता है, अप्रैल के अंदर विक्रमा संपत, वो हमारा नया साल है, ये नया साल नहीं है, ये जो है आपके अंग्रेजों की देन है, हम इसको नहीं मानते। एक सेकंड, एक सेकंड, आपने पूछा अरे मैं तो बोल रहा हूं आज, अरे रुक जा, आज 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 2023 है और आज के दिन हमारे जो 23वें तीर्थंकर है पार्श्वनाथ, वो हमारे शिखर जी के टॉप पे बैठे हुए हैं, आज उनका मोक्ष है और आज हम यही मोक्ष पाने के लिए यहाँ पे आए हैं, आज यही मोक्ष लेकर आए हैं हम। आपने पूछा, एक सेकंड, अरे एक सेकंड यार, हमने आपने पूछा मोदी जी के साथ है, मोदी जी के साथ है, पर गलत काम और गलत नीतियों के साथ नहीं है हम, कोई भी हो चाहे क्या, गलत नीति ला रहे हो, ये विष्णु का रूप बताया, नहीं विष्णु का रूप ठीक है आपने बताया, नहीं एक सेकंड, अगर एक सेकंड, क्या हिंदू समाज कह सकते, अरे भाई साहब, अरे तमाम कोई बात ठीक है, ठीक है अगर हमारा, एक सेकंड, अरे पूजा करें, अरे ऐसे बात जाएगी क्या, आप आपस में ही लड़ रहे हैं बोलने के लिए, आप क्या लिख के दे सकते हो मोदी जी विष्णु के अवतार हैं? मैं क्यों लिख के दूंगी, लोग बोल रहे हैं, तमाम लोग बोल रहे हैं भाई, तमाम लोग बोल रहे हैं, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, जैन की, जैन, जैन, हम इसका प्रूफ देते हैं कि जैन जो जैन तीस शिखर जी है, मोदी का चैनल है, यह चैनल मोदी का है क्या? मोदी का चैनल है, मोदी के चैनल तो आए हुए हैं, आपको कवर ही नहीं कर रहे हैं, तो किसका है यह चैनल? एक सेकंड, एक सेकंड, अरे रुक जाओ, दो मिनट शांति रखो यार, चैनल किसका है शांति रखो, शांति, देखिए मारपीट करेंगे क्या, मारपीट करेंगे? नहीं नहीं मारपीट नहीं कर रहे, ये बताओ किसका चैनल है? चैनल चैनल है, आप बताइए ना, हम तो जैन है, मारपीट कर नहीं सकते, व्यथा बताना चाह रहे हैं आप, बताइए, ये बताओ कि आप किस लिए आए हैं? छीनी नहीं जा रही है हमारी पहचान, ही हमें छीनी जा रही है, हम जैन है, सम्मेत सम्मेत शिखर हमारी पहचान है, आप पहले जैन धर्म को समझिए, पढ़िए, फिर उस पे सवाल कीजिए, आप ये उल्टे सीधे सवाल सबको गुमराह कर रहे हैं, ये आपका बिल्कुल कर रहा है, हम हमारे धर्म को, मोदी जी सही है, हम अपनी बात मानते हैं, आपकी बात मोदी जी सही है, अयोध्या मंदिर बनाता तो हमारे सम्मेत शिखर से मिट्टी लाई गई थी, आप अगर ये धर्म जैनों, ये आस्था का केंद्र है, जब ये आस्था का केंद्र ही हमसे छीना जाएगा तो हमारी पहचान क्या होगी? हाँ जी, एक सेकंड, अब थोड़ा चुप बोलने दीजिए भाई, देखिए आपने बोला था कि मोदी जी के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं, पर गलत कामों में, गलत कामों में नहीं है हम साथ में, एक नंबर, एक सेकंड, अरे भाई साहब बोलने दोगे? नहीं बोलने, और जो है ये हमारी जो लड़ाई है, ये हम लड़ाई लड़ेंगे, ये आज से हमारी शुरुआत है, हमने बिगुल बजा दिया है, और जो है ये हमारा तीर्थ स्थान है सम्मेत शिखर में, सरकार नहीं मानी, आप इतने लोग इकट्ठे हुए हैं यहाँ, आज इंडिया गेट पे पर्यटक स्थल है, अगर सरकार नहीं मानी तो क्या करेंगे आप? सरकार नहीं मानी तो हमारी प्यार से हम बैठकर
हमारे जो संजय भाई हैं ऋषभ बिहार, एक सेकंड यार, ऋषभ बिहार में हमारे संजय भाई हैं और एक सेकंड यार बोलने दो, क्या नहीं बोलो, रुचि जैन और संजय जैन जी 5 दिन सोमवार से बिना खाने के और बिना पानी के बैठे हैं, 24 घंटे हो गए। मेरा नाम नवीन जैन है, मैं यहीं से हूँ दिल्ली से और एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूँ और ये जंग हमारी लड़ाई करेंगे और हम बिना हथियार के लड़ाई करेंगे। आपने पूछा उनसे कि लड़ाई करेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे, हम आपके साथ हैं और आप हमारे साथ हैं, आप हमारे साथ रहोगे, आपके साथ हम रहेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ऐसा है, जो संवेद सिकर जो है हमारी लड़ाई किस चीज़ की है, हमारी लड़ाई है एक जो सनातनी धर्मों का वैष्णो देवी एक मंदिर है, वहाँ पे पूरा बिना चप्पल बिना जूते के चलते हैं, वहाँ पूरी चेकिंग होती है, चेक पोस्ट लगाते हैं, बैग चेक करते हैं कि शराब चाकू वाकू कुछ नहीं है। हमारी सिर्फ यही है कि हमारा जो घर है, हमारा जो तीर्थ स्थान है, वो हमारा हमको दे दो। हम जैन समाज किसी से मांगती नहीं है, सिर्फ देती है। हम जैन समाज किसी से मांगने का वो नहीं, हमारा बहुत समृद्ध समाज है और हमारा सिर्फ ये है कि वो हमारा चुंगल से छोड़ दो। हमारा जो आपका अगर घर होगा, वो आपका घर कोई कब्जा कर लेगा तो क्या करेंगे, छुड़ाएंगे ना, तो वही हमारा समाज, हमारा संवेद सिकर है जहाँ से 24 भगवान 20 भगवान मोक्ष गए हैं। ऐसे बाबरी मस्जिद का भी मुद्दा आया था, बाबरी मस्जिद थी लेकिन राम मंदिर का फैसला आ गया, अगर ऐसे ही आप लोग यहाँ लड़ रहे हैं। बाबरी मस्जिद वाला आपने जब बताया वो 3-4 साल पुराना है सिर्फ, और हमारे जो ये कई लाख इसका कई योजन साल जो है हमारा पुरानी बताई गई थी ना, हमारा कई योजन भाई पुरानी है, पुराना है। एक मुगल काल कितना पुराना है आप बताइए, 300 400 500 तक 600 साल पुराना है मुगल। हमारे कब आए थे, 600 साल पहले आए थे, 700-800 साल पुराने आए थे। और हमारे जो 24 भगवान है, एक सेकंड, हमारे जो 24 भगवान है, 24 में जो भगवान का भी जो काल चल रहा है, शांतिनाथ भगवान का काल चल रहा है इस टाइम, 23 भगवान उससे पहले चले गए, जो 24 अब तो अमृत काल चल रहा है, अमृत काल चल रहा है वो तो मोदी जी ने चलाया ना। हमारा जो काल, हमारा जो जैन जैनियों का जो काल चल रहा है, शांतिनाथ भगवान हमारे 24वें भगवान मोक्ष गए हैं, 24वें भगवान के, उससे पहले 23 गए हैं, 23 पहले, हाँ 24 भगवान महावीर स्वामी जो है वो 2500 साल उसको अभी हो गए हैं, 2500 साल और बचे हैं अभी, तो उससे इससे 23 भगवान जो 20 भगवान है नंबर दूसरे 20 भगवान है हमारे समय सिक्र पे पहाड़ से मोक्ष गए हैं, और कई हजार कोड़ा कोड़ी मुनि महाराज वहाँ से मोक्ष गए हैं, और वहाँ जो है हमारे संवेद सिकर ये हमारा है, किसी और धर्म का नहीं है। हम सिर्फ क्या कहते हैं कि वहाँ मांस मदिरा, हम क्या गलत बोल रहे हैं कि सिर्फ वहाँ मांस शराब दारू लड़कीबाजी नहीं होनी चाहिए, चप्पल पहन के नहीं जाना चाहिए। हम क्या मांग रहे हैं, हम कुछ समाज से क्या मांग रहे हैं, समाज के लिए सरकार अड़ गई है कि नहीं करेंगे ऐसा कुछ, समाज से समाज उसको एक सेकंड पर्यटक स्थल बना दिए तो पैसा आ रहा है। हाँ जी, हम उसको शिमला नैनीताल नहीं बनाने देना चाहते, हम उसको शिमला नैनीताल नहीं बनने देंगे, हम ये चाहते हैं हमारा धार्मिक स्थान है। स्कूली बच्चे भी आए हुए हैं आज, तो भाई न्यू ईयर है, ड्रेस पहनकर आए हैं जानबूझकर, वैसे स्कूल नहीं जाते होंगे। हमारा नाम यहाँ पे धरना प्रदर्शन, क्या नाम है आपका? हम मेरा नाम क्रिश जैन है, हम हसनपुर गुरुकुल से आए हैं। हम समय से कौन सी क्लास में पढ़े, गुरुकुल में पढ़ाई कर जी? अच्छा। हम टेंथ क्लास में पढ़ते हैं। अच्छा। हम हसनपुर गुरुकुल से आया है समय शिखर बचाओ के समर्थन में। हम चाहते हैं कि आप भी जानते हैं मतलब धार्मिक मुद्दा है, इसको बचाना है और ये सब, तो ये सब आप स्कूल में ये पढ़ाया जाता है? हमें पढ़ाया नहीं जाता, ये हमारा खुद का ज्ञान है। हम आज यहाँ पर इंडिया गेट पर इसलिए एकत्रित हुए हैं जिससे हमारा समय शिखर पर्यटक स्थल का नियम लागू जो हो रहा है। आज संडे है, संडे हो उससे ये हमारा नियम है जिससे हमारी पहचान बने कि हम हस्तनापुर। क्या नाम है? अरुण जैन। कहाँ से आए हो? हम गुरुकुल हस्तनापुर से आए हैं। गुरुकुल हस्तनापुर से इतनी दूर से तुम लोग आ गए हो है? हाँ जी। मुद्दा बचाने के लिए मतलब इसको बचाने के लिए तुम लोग इतना कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं जी। पढ़ाई की उम्र है, क्यों इधर धरना में आ रहे हो? हम यहाँ आंदोलन चढ़ेंगे क्योंकि वो हमारा सिद्ध क्षेत्र है, पवित्र क्षेत्र। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? हम 10th क्लास में। 10th में पढ़ते हो? आप भी 10th में पढ़ते हो? Yes, 10th। तो मतलब आपको भी समझ आ रहा है कि क्या धार्मिक मुद्दा है और कैसे इसको नष्ट किया जा रहा है? Yes। तो प्रधानमंत्री जी तो बात धार्मिक ही करते हैं ना, तो उनके खिलाफ क्यों आ रहे हैं आप? अगर ये धार्मिक मुद्दा होता तो फिर ये नोटिफिकेशन 2019 को जो रिलीज हुई है वो अभी तक नहीं आता।
ये धार्मिक मुद्दे के खिलाफ एक्शन हुआ है जो नोटिफिकेशन 2019 के तहत आई थी, लेकिन 2023 के तहत अब नोटिफिकेशन डी नोटिफाई होगी और होनी चाहिए। यही हमारा मुद्दा है। समय शिखर हमारा है, हमारा था और हमारा रहेगा। सरकार अगर पीछे नहीं हटी तो क्या करेंगे? सरकार पीछे नहीं होगी तो हम अपने प्राण दे देंगे, लेकिन हम समय शिखर लेके रहेंगे। हमारे 7 दिन से ऋषभ बिहार में दो चीज हैं, संजय जैन उनका अनशन जारी है 6 दिन से। आज तक ना कुछ अन्न का त्याग और खाने का त्याग, पानी का त्याग, सारा त्याग है। जब तक वो समय शिखर के लिए है, हम एजेंडा तो नहीं है बीजेपी के अगेंस्ट आप लोग आए हो? हमारा किसी का कोई एजेंडा नहीं है जो बीजेपी सरकार से, ना हमारा कोई बीजेपी। यही तो कह रहे हैं कि जूते चप्पल लेके मंदिर में ना चले, वो वहाँ जाके। छोटी सी बात है, सरकार को समझ लेना चाहिए। मैम नहीं समझ रही ना सरकार, नहीं समझ रही सरकार। अच्छा क्यों नहीं समझ रही है, क्या लगता है? रेवेन्यू पर्यटन स्थल अगर पर्यटन स्थल बना दिया जाएगा तो रेवेन्यू आएगी तो पैसा आएगा। हम यानी पैसे वाली सरकार है ये। बिल्कुल मैम, अडानी अंबानी है नहीं, हम सिर्फ एक चीज कह रहे हैं पर्यटन स्थल बनाया ना जाए, वहाँ मांस मच्छी जैन धर्म में अहिंसा है। हम लोग मैम पानी भी छान के पीते हैं। ऐसे तो तमाम नेता जो है बीजेपी के और गवर्नमेंट में जितनी सरकार में नेता है वो धार्मिक बात करते हैं। वही तो समझ में नहीं आ रहा कि जब वोट चाहिए होता है तो जैनियों के पास आते हैं। अब अगले साल क्या ये सित्ते भी जैनी है क्या, खरीदे के वोट सरकार को वोट? 2024 में तो आ रहे हैं, तय है बीजेपी आ रही है। जैनी मोदी सरकार के, जैनी मोदी सरकार के खिलाफ भी है। आने देंगे और तो आने देंगे। मैम कितने जैनी है आपको क्या लगता है जैनियों की, आपको क्या लगता है जैनियों की संख्या इतनी कम है? जैनी इतना कमजोर है? जैनी अहिंसावादी है, कमजोर नहीं है। सिंहासन हिला देंगे आप सत्ता? जैनी अहिंसावादी है, कमजोर नहीं है बिल्कुल। आपको लगता है सत्ता का सिंहासन हिला? मांग क्या है, हमारी मांग क्या है इससे पहले? हमारी मांग क्या है कि हमारे गवर्नमेंट का जीडीपी कंट्रीब्यूशन भी लाने की तैयार रखते हैं हम लोग। जैनी लोग 0.67% से कम होने के बावजूद भी जीडीपी कंट्रीब्यूशन हमारा 24% ऑफ टोटल टैक्स है, जो हमारा आज तक 24% ऑफ टोटल टैक्स हम देते रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा ये मुद्दा आज अटका हुआ है। 2019 में नोटिफिकेशन क्यों लाई गई? मैं ये पूछ रही हूँ कि 2024 में फिर से सरकार आ रही है, बनेगी उनकी सरकार? सरकार से हमारा विरोध सिर्फ इस बात के लिए है कि हमारे समय शिखर जी को छोड़ दिया जाए और उसे मुक्त कराया जाए, हमारा और कोई विरोध नहीं। आपको लगता है कि सत्ता का इतना बड़ा सिंहासन है, पावरफुल है, उसका सिंहासन आप हिला देंगे? हम हिलाने नहीं आए, हम मोदी जी से रिक्वेस्ट करने आए हैं कि वहाँ पे मांस मदिरा, हमें हिलाना नहीं है, हमें सरकार को हिलाना, हम सिर्फ अपनी मांग रखना चाहते हैं। हम सत्ता के हम जो जैन परिवार है, हमारा जो जैन समूह है, हम भाजपा परिवार को ही मानते हैं। हम जंग संघ से जुड़े हुए थे, हमने बचपन जंग संघ से देखा है, हमारे पुश्तों ने, हमारे जितने भी ग्रेट ग्रैंडफादर ने, सबने हमारा, हम जंग संघ से जुड़े हुए थे। अब जैनी क्या कहते हैं, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा नहीं करना। जैन स्थल पे हमारी बस इतनी सी मांग है कि हमारे बच्चों में, हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों में यही संस्कार बने रहे कि हम जब अपने स्थलों पे जाएं वही संस्कार हमारे बच्चों में बने। और वो कैसे बनेंगे, जब हम नंगे पांव जाएंगे, जब हम वहाँ मांस मच्छी, हमारे पैर जाने से संस्कार होते हैं क्या आपको लगता है? आप बताओ मंदिरों में, एक सेकंड, नहीं मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मंदिर क्या आप अपने घर को पिकनिक स्पॉट से, आप मेरे को एक छोटे से क्वेश्चन का जवाब दो, क्या आप अपने घर को पिकनिक स्पॉट बनाओगे? घर तो घर ही है ना, उसी तरीके से मंदिर तो मंदिर ही है ना। जैसे हमारा घर अपना घर है, मेरा घर है, आपका घर अब ये बहुत ही शर्म की बात है कि आप हमारे जो हमारे अंदर का जो भाव है आप उसको नहीं समझ रहे। आप हमारे घर को पिकनिक स्पॉट कैसे साबित कर सकते हो, जबकि जैन अपने आप में इतने सशक्त हैं कि वो सारा फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। मैं खुद सेंट्रल गवर्नमेंट से, मैं खुद जुड़ी हुई हूँ भाजपा से, लेकिन
मेरे को इतना दुख होता है। आज मैं कैमरे पे कह रही हूँ ये बात कि मेरे बच्चे, खुद के बच्चे क्या सीखेंगे अगर मैं अपने मंदिर को पिकनिक स्पॉट घोषित कर दूंगी तो। लेकिन क्या मांस 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 मंदिर के पास मांस खाना सही मानते हो आप? जानवर को काट के उनमें से खून में, हम तो नहीं मान सकते। क्या आप खा सकते हो? आपका जमीर ये अलाउ करते हैं? तो नहीं क्यों, करता क्यों, क्यों, क्यों करा जा रहा है ऐसा? सबसे बड़ा सवाल तो यही, जीडीपी कंट्रीब्यूशन के लिए आपको जीडीपी लेवल बढ़ाने है, तो इकोनॉमिक्स है, साफ सीधा सीधा इकोनॉमिक्स है। टूरिस्ट आएगा, आप बैंकॉक चले जाओ, वहाँ पे कोई लोग काम नहीं करते, आदमी भी औरत बन के क्यों काम कर रहे हैं? टूरिस्ट आते हैं वहाँ पे, आप कहीं पे भी चले जाओ, टूरिस्ट जाएगा तो पैसा आएगा, तो सब इकोनॉमी बढ़ाने के लिए। क्या नाम है आपका? हिमानी जैन। क्या इकोनॉमी ऐसे बढ़ती है? क्या इकोनॉमी मांस मच्छी, मांस मदिरा और ये सब खाने से इकोनॉमी बढ़ती है? क्या मंदिरों की कोई हमें शर्म हया नहीं रह गई है? क्या यही जब हम अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे कि बेटा पिकनिक स्पॉट है, चलो घूमने? क्या संस्कार पड़ेंगे हमारे हमारे बच्चों में आगे? तो मैं तो ये बहुत बड़ा शेम 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 कहती हूँ, और मैं गुजारिश करूँगी, हम यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं गुजारिश करने के लिए और प्यार से दो बात करने के लिए कि हमारी सरकार इस बात को माने, समझे और दिमाग खोल के ये डिसीजन ले कि हमारा जैनियों का जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमी में, वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हालांकि हम बहुत कम है लेकिन कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है, तो आपको इसका फायदा, हम भाजपा की सरकारें और बने रहेंगे, आप हमारे को मजबूत करें, हम आपको मजबूत करते रहेंगे आगे। अच्छा, ये जोश जो अभी बरकरार है ये वाकई में बरकरार रहेगा जब तक सरकार मानती है या नहीं मानती? ये हमारा वादा है, ये हमारा वादा है, हम सब जैनियों का वादा है। अगर भाजपा, हम कमल के फूल को ही खिलाएंगे और ये हमारा वादा है। क्यों हो रहे हैं कमल के फूल नहीं तो ये फैसला सुनाया है, तो ये तभी तो हम उनको समझाना चाहते हैं ना, जब किसी की आंखों पे पर्दा पड़ जाते हैं तो आंखों से पर्दा उठाना भी तो हमारा काम है ना। मेरा एक सवाल मोदी जी से यही है, उनकी माता जी के अंतिम संस्कार में उन्होंने चप्पल नहीं पहनी है, ठीक है, तो हम अपने पवित्र स्थल पे चप्पल पहन के जा सकते हैं? कैसे मुद्दा बना रहे हैं? मैम नहीं, वो अपनी माता जी के ध्यान, ये सब भाव की बातें हैं, ये तो शोक का मुद्दा है ना भाई। मैम तो ये धर्म का मुद्दा है, ये धर्म का मुद्दा है मैम, मैं कैसे जूते पहन के चले जाऊँ? हमारे यहाँ तो जनाब अलाउ दिए। मोदी जी कहते हैं हिंदू धर्म को बचाओ, मोदी जी कहते हैं हिंदू धर्म को बचाओ, हिंदू धर्म कैसे बचेगा? आप भी तो हिंदू हैं, हम भी तो हिंदू हैं, तो हिंदू को बचाने के लिए आपको हमारे हिंदू होकर हिंदुओं की ही बात को नकार रहे हैं? उनको वही तो बात है ना कि हिंदुओं को हिंदू की बात समझनी पड़ेगी। हम भाजपा को ही वोट देंगे अगर भाजपा, जा सकते हैं आप जूते पहन के मंदिर में जा सकते हैं? आप नहीं जा सकते, तो हम कैसे जाते थे? हमारे मंदिर मैम, हमारे पर्वत मंदिर है हमारे लिए। आप जिस भी धर्म उस पे, आप जिस भी धर्म स्थल पे जाते हो आप चप्पल पहन के तो नहीं जाते, आप हाथ मुंह धो के जाते हैं, वहाँ मांस मच्छी कैसे कंज्यूम कर लोगे आप? मैम मंदिर के ऊपर जाके वो लोग कर रहे हैं, जहाँ मंदिर है वहाँ पे शराब पी रहे हैं, नाच गाना कर रहे हैं, तेरा उत्ते उल्टे सीधे गाने ऊपर, लड़के लड़कियाँ जा रहे हैं, असली लड़के हो गए मैम। तो आज कल जो टूरिस्ट स्पॉट हो गया है उसको हम शेम शेम इसलिए बोल रहे हैं, जो बच्चे आजकल के बहुत खुले माहौल के हो गए हैं, हम भी आज की जमाने के हैं, लेकिन हमें पता है हमारी मर्यादा क्या है। अब जो आजकल के बच्चे हैं वो और ज्यादा खुले माहौल के हो गए हैं, तो वो सेल्फी का बहुत पर ही नहीं, और भी स्पॉट्स पे ऐसा होता है, तो यही तो सारी बात है ना, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई आपको ये बात समझनी पड़ेगी अगर आप उसको टूरिस्ट, लेकिन मुद्दा तो अश्लीलता को लेकर नहीं होता, रंग पर आप उसको टूरिस्ट, अगर आप नहीं है अश्लीलता, अगर आप भगवा रंग की ड्रेस है वो रंग को लेकर हुआ, अश्लीलता के लिए नहीं हुआ, नहीं तो भगवा की बात ही नहीं, हम तो जैनियों की बात कर रहे हैं। अगर आप टूरिस्ट स्पॉट, आप अगर टूरिस्ट स्पॉट घोषित करते हो उसको, तो बच्चे क्या करेंगे? बच्चे सेल्फी खिंचवाएंगे वहाँ, बच्चे वो तो लव स्पॉट बन जाएगा, तो लव स्पॉट थोड़ी ना बनाने आपको धर्म स्पॉट को। अयोध्या मंदिर में पर्चियाँ, राम मंदिर की पर्चियाँ मैंने खुद काटी अपने हाथों से घर घर जाके, तो मेरा क्या फर्ज बनता है जब मैं जैनी हूँ? कार्यकर्ता लग रही हैं अभी, तो अगर मैं आज आपको उनके खिलाफ यहाँ पे आना, मैं खिलाफ नहीं हूँ, मैं मेरी उनसे दरख्वास्त है, मेरी उनसे गुजारिश है कि आप मेरे पूरे मेरे जैन परिवार की बात सुने, उसको समझे, हम सब हमेशा आपके साथ रहेंगे, हम इस इकोनॉमी को उतना सशक्त बनाएंगे जितना हम कर सकते हैं,
ये हम सबका वादा है। अच्छा, पैसों की बात करके बोल रही हैं आप? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, सशक्त बनाएंगे। ये हम धर्म की बात करके बोल रहे हैं, धर्म हमने कभी पैसा सोचा ही नहीं। धर्म के खिलाफ हो जाता है जब आदमी की आस्था पर चोट लगता है ना, तो खिलाफ जाता है, बिल्कुल खिलाफ जाता है, भाई भाई के खिलाफ चला जाता है। भाई साहब, प्रधानमंत्री के खिलाफ चले बिल्कुल जाएंगे, क्या दिक्कत है? देश के राजा है वो, तो क्या दिक्कत है? नेता तो गलत काम करेगा तो गलत काम के खिलाफ जाएंगे। आप आपके घर पे आके बिल्कुल सोच के फैसला बिल्कुल ले लिया। आपके घर पे आके कोई कहे मैं दुकान खोल रहा हूँ, मैं मान लेंगे आप? हमारी आस्था पे कोई कहता प्रतिष्ठा क्यों कर दोगे आप? किसी के मंदिर प्रतिष्ठा कैसे घोषित कर दोगे आप? ये बताओ, कर दोगे कैसे? कर दोगे बताओ मुझे, कोई आप ठेकेदार मंदिर के किसी के बताओ मुझे? तो और भी तो अयोध्या मंदिर भी तो बना, ठेकेदारी तो बने, ठेकेदार तो बने भाई, वो मंदिर है ना, बाबरी मस्जिद को हटा के फिर अयोध्या भैया वो मंदिर है ना, उसे मंदिर पे कोई वहाँ पे पर्यटन स्थल तो घोषित नहीं करेगा, वहाँ पे जाओ कैसे भी करो। बात तो ये आ रही ना, मुद्दा कोई मंदिर नहीं था, जैन मंदिर पे कोई मंदिर नहीं है, जैनों का ही स्थान है, वो कोई नहीं है। चलिए, तो ये तमाम लोग आज जो आप देख रहे हैं, आज न्यू ईयर है यहाँ पर, ये कोई पर्यटक नहीं है यहाँ, कोई ये लोग यहाँ पर पिकनिक स्पॉट बनाने नहीं आए हैं। ये तमाम लोगों का मुद्दा है, ये धर्म का मुद्दा है कि जो इनका स्थल है उसको तीर्थ स्थल ना बना करके एक पिकनिक स्पॉट बना दिया जा रहा है। वहाँ पर इस तरीके की अश्लीलता जो हो रही है, मांस मदिरा का सेवन हो रहा है, तमाम लोग जो है चप्पल जूता लेकर के जा रहे हैं, इनका मुद्दा ये है। तो ये तमाम लोग जो है आज यहाँ पर एकजुट हुए हैं और यहाँ पर मोदी जी के खिलाफ भी बोल रहे हैं, और कुछ लोग जो है बोल रहे हैं कि भैया इकोनॉमी जो है जीडीपी सिस्टम को अपने आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने ये पिकनिक स्पॉट बना दिया है। तो ये बात जो है आज मैंने आपको दिखाई है, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा और क्या फर्क नहीं पड़ेगा, क्या सिंहासन हिला पाएंगे ये लोग, तो इसी के साथ देखते रहिए जनता आवाज। मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा, इंडिया गेट, दिल्ली।